हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन इंडिया शॉर्ट में। तो वीडियो ये लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ी गुलाब की जानकारी देने वाले हैं। ये गुलाब की जब पत्तियाँ सूखने लगती हैं और इनकी जो कलियाँ हैं, ये कलियाँ जो है ये ऑटोमेटिक इसकी पत्तियाँ खुद ही सूखने लगती हैं। बाद में पूरा फूल फूल खिलता ही नहीं है और कली कली पूरी सूख के गिर जाती है। और इसके जो ये पत्ते हैं ये धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, ये पीले पीले धब्बे पड़ने लगते हैं और पतझड़ हो जाता है पूरा। आप देख सकते हो इसकी पूरी हालत, इस गुलाब की क्या है। इसकी जो नई नई कली आ रही हैं ये खुद झड़ रही हैं। और ये पूरा गुलाब अगर मैं निकाल कर आपको दिखा दूं, इसकी कंडीशन आप खुद बता सकते हैं क्या हो रही है। ये देखो, ये इसकी नई पत्ती आई थी, ये वाली अभी बिल्कुल नई पत्ती हैं और ये पीली पड़ के सूखने वाली हैं। ये थोड़ी ऊपर थोड़ी मजबूत पत्ती हो गई हैं तो इस पर इतना नहीं है कि, पर इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि हो क्या रहा, तो वो धूप में छाँव में और मिट्टी बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, कुछ भी चीज़ की मिट्टी बदल दो या फिर इसकी पिनिंग कर दो, कटिंग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक बहुत 1-2 mm समझो कि हम आँखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा कीड़ा होता है और इस पर लग जाता है, पर दिख ही नहीं सकता हमारी आँखों से। और इसके पत्ते का वो रस पीते हैं, एक नहीं होते वे हजारों की संख्या में होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं। और वे आराम से इनकी पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठे थे, यहाँ ये पीला पीला जहाँ धब्बे हो रहे हैं यहाँ पे बैठे थे, उस पत्ती का पूरा रस चूस गए। तो अब इसमें कुछ पावर रही नहीं इस पत्ती में जो वे पनप सके, तो वे पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसकी 2-3 दवाई रहती हैं और ज़्यादातर कुछ दवाई मिलती नहीं है। तो मैं एक जो ज़्यादातर मिल जाती है दवाई वो मैं आपको बता दूंगा, आप बने रही हैं हमारी वीडियो में और हम उसका चलो मिक्स बनाते हैं। जानकारी थोड़ी बहुत मैंने दे ही दी है, ऐसी अगर आपके गुलाब की हालत होती है तो ज़रूर वो दवाई का इस्तेमाल करें। तो ये हम दवाई बना रहे हैं, इसमें 3 तरह की दवाई है, एक फंगीसाइड है और एक मैग्नीशियम सेल्ट आती है वो है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, फंगीसाइड और मैग्नीशियम सेल्ट बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और जो तीसरी दवाई है ये है जो कीड़े को ज़्यादातर मारती है। ये दवाई आप नोट कर सकते हैं और इसमें जो मात्रा होती है वो तीनों चीज़ में 2-2 ml प्रति लीटर मिलानी है। 2 ml में ए 2 ml या 2 ग्राम 1 लीटर में मिलानी है। ठीक, यहाँ हमारे बहुत सारे गुलाब हैं जिन पर आज हम छिड़काव करेंगे। अभी हमने जो बताया आपको कि क्या क्या मिलना है उसका हमने छिड़काव कर दिया, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता कि कैसे छिड़काव होगा। छिड़काव करना कोई भी कैन ले लो या फिर ब्रश ले लो, आराम से छिड़काव करने की कोई वीडियो बना के डाल दें तो उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये अभी हमने उसी दवाई का छिड़काव किया है, ये पूरे जितने भी सब गुलाब रखे हैं इन पर भी छिड़काव किया है। धूप निकल रही है और शुरू में पौधे को पानी दे देना है, उसके बाद दवाई का स्प्रे करना है। दवाई के बाद पानी नहीं देना है। ये सभी हमने सभी की एक जैसी हालत हो रही है, सभी गुलाब की एक जैसी हालत हो रही है। जो भी नई पत्ती आ रही हैं खुद ही मुड़ के खुद टूट जाती हैं, वही वाली हालत है इनमें। जो ये धब्बे से दिख रहे हैं आपको वही वाली हालत है इसमें। हमारे हैं 300-400 गुलाब में, सबकी यही हालत थी। तो इसी पे हमने इसी का स्प्रे किया है, फिलहाल किया है और धीरे धीरे हम अपडेट दे देंगे। अगर इसमें एक बार करोगे, अगर तुम्हें नई पत्तियों पे फिर भी यही रोग दिख रहा है तो आप 4-5 दिन बाद फिर कर देना। अगर फिर भी ये रोग नहीं जाता तो एक हैवी डोज बना लेना, जो 2 ml डलनी थी उसे आप डबल कर सकते हो, 4 ml कर सकते हो 1 लीटर में। तो उसके बाद एक हैवी डोज डाल देना, सबसे अच्छी चीज़ है। 3 बार में चला ही जाता है।
अगर आपको शुरू में जानकारी हो जाए तो वो एक बार में चला जाएगा, अगर वो रोग ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आपको 3 बार या 2 बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नई नई ब्रांच रहती हैं वे पुरानी वैसे चली जाके और नई पे बैठ जाते हैं। धन्यवाद, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो या आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ और पूछना है या कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत या कुछ भी जो आपको जानकारी चाहिए वो हम बताएंगे। धन्यवाद।